हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन बिलासपुर जिला के घुमारवीं में किया गया। ये बैठक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व हिमाचल सहित चार उत्तर क्षेत्रों के प्रभारी सौदान सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। गौर हो कि बिलासपुर जिला के घुमारवीं में तीन दिवसीय चलने वाली हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक के दूसरे दिन सुजानपुर, नादौन, बटसर, कुटलेहर, भोरंज और हमीरपुर मंडल की बैठकें हुई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह द्वारा मंडल के पदाधिकारियों से संगठन की हर गतिविधि व सरकार के विकास कार्यों की जानकारी ली गई और आगामी विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश व टिप्स भी दिए गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें भाजपा निश्चित ही मिशन रिपीट की ओर अग्रसर होगी। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय उपाध्यक्ष और उत्तर क्षेत्र के प्रभारी सौदान सिंह जी हर मंडल के साथ बैठकर आगामी चुनावों की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं, आज भी तीन विधानसभा क्षेत्र इन्होंने हमीरपुर के बुलाए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हम भी सुनने आए हैं, देखते हैं क्या क्या मार्गदर्शन मिलेगा। जो मार्गदर्शन मिलेगा उसको लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और मिशन रिपोर्ट को सफल बनाने के लिए पार्टी डट जाएगी। हम तो हर सीट जीतना चाहते हैं, हम चाहेंगे 800-800 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, बढ़ाने के लिए लड़ेंगे और बढ़ाएंगे भी।